Oh, welcome to the channel. Hope you are absolutely fine. Hope you are. तो भैंस की आँख हो गई घूम घूम के, रात हो गई घूम घूम के. वाह, सुबह से लेकर रात हो चुकी है और मैं निकला हूँ 4 घंटे से, लेकिन इतनी बस के नहीं हुई कि कैमरा ऑन करके मैं वीडियो बना लूँ, मतलब ब्लॉगिंग कर लूँ, मोटो ब्लॉगिंग कर लूँ. हुआ नहीं, इतना सारा वो हो गया, थकावट हो गई, इतना ट्रैफिक, इतना जाम कि इसके अंदर मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो भी बनानी थी. तो चलो कोई बात नहीं, रात थोड़ी सी हो गई है, शाम हो गई है मतलब, और वापसी जा रहे हैं घर को, और मैंने सोचा थोड़ा सा बना लें वीडियो डाल देंगे. क्या लगा हुआ कैमरे लगे हुए स्पीड वाले, ध्यान से आना बता रहा हूँ. तो बात इतनी है कि जो थंबनेल देखा ना आपने, ये वाकई में सही है. मतलब हाँ, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कैसे आप 180 सब्सक्राइबर में पैसे कमा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ. बहुत सिंपल है, बिल्कुल आप YouTube पे भरोसा, मतलब समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल आप YouTube को करियर बना सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको साथ साथ में भी कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा. मतलब आप समझ रहे, ऑल्टरनेट आपका होना चाहिए ज़रूर, तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो. यूट्यूब से तो पैसे कमा सकते ही हो. तो थंबनेल देख के जो जो लोग आए हैं वो सही आए हैं, मैं उनको चीज़ें समझा दूँ. लोग लालच करके आते हैं यूट्यूब पे कि हम दूसरों को देख के आते हैं लोग कि दूसरे इतना पैसा कमा रहे हैं. मैंने भी लालच किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अब मुझे चीज़ें समझ में आ गई बहुत टाइम पहले ही. मेरा पैशन है राइड करना. मैंने देखा लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, मतलब उनको ये है कि सब्सक्राइबर आ जाएं, बस हम पैसा कमा लेंगे इस तरीके से. क्या कंटेंट दे रहे हैं लोगों को नहीं पता, कुछ भी फेक तरीके से वो इकट्ठे कर रहे हैं अपने फॉलोवर्स, जो जिनका यूट्यूब से मतलब कोई लेना देना नहीं है. यूट्यूब उनका इतना पुलिस वाले आ गए, वो मिल गया थंबनेल, पुलिस वालों ने फिर पकड़ा. लगा रहो सर, लगा रहो, साइड में लगा रहा हूँ. पुलिस वालों ने फिर रोका. थंबनेल मिल गया, थंबनेल. तो मैं बता रहा था आपको कि हाँ, आप मतलब पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से. कैसे कमा सकते हो, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. हर चीज़ के अंदर दिमाग लगता है, आपको इसके अंदर भी दिमाग लगाना पड़ेगा. मतलब लोग लालच करके आते हैं, ठीक है लालच करो, ऐसी कोई बात नहीं है, लालच करोगे तभी तो वीडियो बनाओगे. लेकिन चक्कर ये है ना कि आप लालच किस चीज़ पे कर रहे हो, मतलब आप कंटेंट दे क्या रहे हो, लोगों को दिखाना क्या चाहते हो. आए झटके. तो मेन वो चीज़ें होती हैं, लोग ना ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी उल्ट छुट डाली जा रहे हैं, मतलब जिनका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, मतलब वायरल कर रहे हैं वीडियो, कुछ भी गलत छलत डाल के, गंद डाल. प्लीज़ खुद की तो चीज़ें हो आपकी, लालच करते हो, लेकिन ना ढंग से तो करो. कुछ चीज़ें डाल रहे हो तो ढंग से तो डालो. एटलीस्ट मैं डालता हूँ, मेरे 180 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है आज जितने भी हैं, लेकिन एटलीस्ट डालता हूँ तो चीज़ें खुद की हूँ, किसी और की चीज़ें. लोग डाल देते हैं कुछ अच्छी वीडियोज़ देखी, डाउनलोड करी यूट्यूब से, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, और डाल दी वीडियोज़, ठीक है वीडियो चल भी गई. किसी और की वीडियो, कोई टेक्निकल है, कोई बंदा, कोई राइडर है, कोई सिंगर है, उसकी वीडियोज़ डाल दी, ठीक है चल जाती वीडियोज़. लेकिन ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होता. जो लोग सोचते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, हम कमा लेंगे 10 लाख रुपए वीडियो से, तो ऐसे ये ड्रामेबाजी नहीं होती है. लोग ना बड़े बड़े भ्रम में बैठे हुए हैं इस टाइम, कुछ नहीं पता लोगों को आज की डेट में चल क्या रहा है. मतलब मैंने देखा है लोग बस चले जा रहे हैं, वीडियो अपलोड करे जा रहे हैं, डाउनलोड कर करके. अरे यार, यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने का, मैं सुबह से घूम रहा हूँ लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला. क्या बनाऊँ वीडियो, क्या दिखाऊँ, क्योंकि भाई सेम रास्ता सब कुछ. लोग क्या करते हैं, घर बैठे हुए हैं, कहीं की वीडियो ली, कहीं की आधी कहीं की ले ली, कहीं की आधी कहीं की ले ली. हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब चलता है, 2%, 5%, 10% आपने कहीं से कॉपी किया, इधर उधर से, मतलब कंटेंट कॉपी नहीं किया, चीज़ें कॉपी कर ली कि हाँ भैया ये ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे कर लूँगा सेम, ठीक है. लेकिन करो तो खुद ही एटलीस्ट. हाँ मैं भी करता हूँ कई चीज़ें देख के, लेकिन करता तो हूँ, खुद तो करता हूँ, किसी को देख के थोड़ी करता हूँ. तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं. हाँ बिल्कुल आप कमा सकते हो, थंबनेल को देख के आए हो, बिल्कुल सही आए हो, ऐसी बात नहीं है. मैंने कोई क्लिक बेट नहीं किया है, कुछ गलत नहीं डाला है. बिल्कुल कमा सकते हो, जितना इससे ज़्यादा कमा सकते हो. मैंने जितना क्लिक बेट उसमें थंबनेल में मैंने पैसे दिखाए, इससे ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन दिमाग लगा के. मैंने देखा 1000 सब्सक्राइबर भी है ना जिनके, वो भी एक एक वीडियो से अच्छा पैसा कमा रहे, बता नहीं सकता कितना कमा रहे. यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं अलाउड, लेकिन हाँ अच्छा कमा रहे हैं. तो आप भी कमा सकते हो, लेकिन दिमाग से, अपने कंटेंट से,
किसी का चुराया हुआ कंटेंट नहीं, उस पर बहुत सारी चीज़ें आपकी बैन हो जाएंगी, आपका यूट्यूब मोनेटाइज ही नहीं होगा, वीडियो चली जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चैनल ही नहीं मोनेटाइज होगा आपका, चलता रहेगा। मैंने देखे कईयों के 50,000 सब्सक्राइबर हैं, मैं ऐसे ऐसे यूट्यूबर बता दूंगा, टेक्निकल यूट्यूबर्स हैं जो टेक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज है ही नहीं, बस वीडियोज बना रहे हैं और चल रहा है उनका काम। मतलब उन्होंने एक और चैनल खोला ताकि कोई दिक्कत ना आए, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, दूसरा चैनल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर है कि चीज़ें अपनी कंटेंट अपना डालो, ताकि आपको YouTube अगर करियर एज अ करियर बनाना है ना, इसको फुल टाइम या भी पार्ट टाइम या जैसे भी, जैसे मेरा तो पार्ट टाइम ही चल रहा है क्योंकि इनकम कोई इससे आ नहीं रही मेरे को, पैसे ही जा रहे, खर्च ही हो रहे सामान पे, कभी ये लगा ली जैसे साइड मिरर्स लगवा लिए, कैमरा ले लिया, हेलमेट ले लिया, माइक ले लिया, ट्राइपॉड ले लिया, ठीक है, गोरिल्ला पॉड ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो इसमें पैसे जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे अभी तो। हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी अच्छी जगह करो, खुद का कंटेंट बनाओ, अगर कुकिंग में हो तो आप कुकिंग का खुद का चैनल खोलो और खुद का ही कंटेंट डालो उसके अंदर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ धीरे धीरे ग्रो करेगा, टाइम लगेगा, लेकिन करेगा, आपका खुद का ही एक नाम होगा, एक ब्रांड वैल्यू होगी, दूसरों का बना के ना तो आपको कोई जानता है, ठीक है मान लिया। किधर जा रहा है, इंडिया गेट आ गया, इंडिया गेट के दर्शन करा देता हूँ आपको, और मुझे नहीं पता कितनी अच्छी आवाज़ आ रही होगी माइक में, कितनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें अपनी डालो, कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज़ें खुद की ही डालो। अच्छा बोल बोल के, पहले तो मैं कट कट कर करके करता था वीडियो एडिटिंग, अब ये है कि मुझे आदत पड़ गई है, मैं सीधा एक बार भी बढ़िया तरीके से बोल लेता हूँ, मतलब काफ़ी हद तक तो आदत हो गई है, बस माइक का थोड़ा सा इशू आता है, बाकी तो मैं एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेंड हो गया हूँ तो लगता है टाइम यार, मेरे को भी बहुत टाइम लग रहा है, मैं भी अभी कंटिन्यू नहीं हूँ, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं आ रही है वीडियोज़ मेरी, मुझे पता है शुरू में आ रही थी, ग्राफ मेरा काफ़ी अच्छा पड़ रहा था, लेकिन अब टाइम मिल ही नहीं पाता, तो हाँ ऑल्टरनेट रखो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही चैनल ग्रो करेगा। मतलब आप वीडियोस कैसी डालते हो, क्या क्या करते हो, मतलब कहाँ कहाँ किधर किधर वो वायरल होती हैं, किधर किधर उसकी रीच पहुँचती है, कई लोगों को इतने इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर, उनको कुछ नहीं पता ग्राफ के बारे में क्या है क्या नहीं, बस वो वीडियोस अपलोड करी जा रहे हैं और डाली जा रहे हैं, तो मेरे जो वीडियोस एक आध कोई बंदा देख भी रहा वो भी कहेगा कि हाँ ये मेरी बात, कि हाँ ये मेरी बात कर रहे हैं तो समझो इस चीज़ को, यूट्यूब समझने वाली चीज़ है, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स है ये यूट्यूब, जिसको मैथ नहीं आता ना उसके लिए मतलब बहुत बुरा है, और जिसको मैथ आता है ना, अगर आप यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ गए ना एक बारी, एल्गोरिदम मतलब एक बारी बोल दिया मैंने, देख रहे मतलब चार बारी कट करके मुझे बोलना पड़ता था, अगर आप यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ गए ना तो आप फिर बादशाह हो, बात सारी समझने की है, पैसा अच्छा कमा सकते हो लेकिन सोच समझ कर, ये नहीं कि लालच करो और हाँ जी दूसरे को देख के दूसरे के इतने सब्सक्राइबर हैं, ऐसी ऐसी बाइक ले ली उसने मैं भी ले लूँगा, तो ये लालच का तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, फिर तो एक सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेगा आपका। बेस बनाओ अपना, सबसे पहले बेस बनाओ, बोलना सीखो ठीक है, और कंटेंट अच्छे डालने सीखो, कोशिश करो कि अपने खुद के कंटेंट हो, मतलब खुद के मतलब कुछ ऐसा हो थोड़ा सा अननोन हो किसी के लिए, थोड़ा सा ऐसा कॉम्पिटिशन वगैरह थोड़ा सा कम हो, लोग देखेंगे ज़्यादा, सर्च ज़्यादा हो, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो भी रात, अब पता नहीं कितना वीडियो में देखता हूँ मैं, शायद पता नहीं कितना दिख रहा होगा दिख नहीं रहा होगा, तो बस वीडियो हो गई लंबी, तो मिलते हैं कुछ अच्छी सी वीडियोस के साथ, मैंने एक जगह जाना है वो जगह दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा सकता था अभी बहुत सारी लंबी वीडियोस बन सकती, दो तीन पार्ट बन सकते हैं, लेकिन यार वो सेम ही जगह फरीदाबाद ये वो दिल्ली, तो सड़कें तो सबने देख ही रखी, कुछ अच्छी जगह दिखाता हूँ मैं आपको ना, एक दो दिन के अंदर वीडियो डालता हूँ मैं बढ़िया सी, सोच रहा हूँ जगह, देखता हूँ दूर जाता हूँ पास जाता हूँ। चले बत्ती भी आगे रुक भी जाते हैं, वीडियो को भी स्टॉप करते हैं, मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओहो सही लगा रखा है, टेंट लगा रखा है, तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राइड सेफ, और हाँ पैसे कमा सकते हो।